Assalamualaikum guys, it's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, Kasimabad, Hyderabad. So जी मैथमेटिक्स समझते आ रहे हैं. मैथ्स अगर आपको समझनी है, सीखनी है, कंटिन्यू रखनी है तो पहले आप लोग इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, उसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. जी गाइस, सो आइए हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं अपनी क्लास को. तो आज की क्लास में जो समझेंगे वो एक्सरसाइज 3.8 का क्वेश्चन नंबर 14 को समझने जा रहे हैं. ठीक, जो प्रीवियस क्लासेस में क्वेश्चन पढ़े हैं, इक्वेशंस हैं, उन इक्वेशंस को सॉल्व करनी है. अब कैसे सॉल्व करेंगे वो इक्वेशंस को देखकर ही हम डिसाइड कर सकते हैं. ठीक है, सो उससे पहले आप रेडी हो जाएं, मींस समझने के लिए तैयार हो जाएं, कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें ताकि आप चीज नोट भी करते जाएं पॉइंट बाय पॉइंट एंड फुली कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करें ताकि हर चीज आपको इजीली समझ में आ जाए. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन किस टाइप का गिवन है एंड कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं उसको समझते हैं. ठीक है, अब देखा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 में दो इक्वेशंस गिवन है, 2x² प्लस xy माइनस 2 इक्वल टू 0. x है हाईएस्ट पावर 2 मींस x² क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सेकंड टर्म में x एंड y दोनों वेरिएबल से कोई पावर नहीं, x एंड y वेरिएबल माइनस 2 मींस ए कांस्टेंट नंबर इक्वल टू 0 के. सेकंड इक्वेशन अगेन x² प्लस 2xy एंड प्लस y² माइनस 1 इक्वल टू 0. इस इक्वेशन में y² भी मौजूद है. सही है, अब ये है दो इक्वेशंस, इसको असाइन करते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. अब कैसे सॉल्व करें? इक्वेशन सॉल्व करना मींस वेरिएबल जो गिवन है उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना. सो देखिए, इसमें यहां पर वेरिएबल x एंड y है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल x² एंड यहां पर भी y² भी मौजूद है, मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. तो x की एंड y की जो वैल्यूज मिलेंगी दो दो वैल्यूज आएगी. कैसे सॉल्व करें? दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर एक लीनियर होती है दूसरी क्वाड्रेटिक तो अलग बात है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, वेरिएबल्स कांस्टेंट टर्म्स सारे साथ में मौजूद है. तो अगर इस टाइप की इक्वेशन हो उनको सॉल्व करना हो तो हम साइमल्टेनियसली मेथड यूज करेंगे, कोई टर्म कैंसिल करेंगे. क्या है देखते हैं. अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 एंड 2 दोनों को टेक आउट करते हैं एंड देन साइमल्टेनियसली मेथड अप्लाई करेंगे. अब साइमल्टेनियसली मेथड क्या है? साइमल्टेनियसली मेथड का मतलब ये है, इक्वेशंस में वेरिएबल्स जो गिवन है उनमें कोई ना कोई वेरिएबल या कोई ऐसा टर्म कैंसिल करेंगे ताकि मजीद सॉल्व करें तो वो सिंपल हो जाए इक्वेशन. सही है, तो कैसे सॉल्व करते हैं देखें, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों को कंबाइन करके लिख रहे हैं, xy माइनस 2 इक्वल टू 0, ये सिंपली x² प्लस 2xy प्लस y² माइनस 1 इक्वल टू 0. सही है, सो देखिए इक्वेशन नंबर जे अबो ऊपर जो लिखी है इसमें x² का कोफिशिएंट 2 एंड नीचे x² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है. ठीक, तो x² हम कैंसिल करवा सकते हैं अगर दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस करें. कैसे? तो x² अगर कैंसिल कराना चाहते हैं तो x² का कोफिशिएंट अल्टरनेटिवली मल्टीप्लाई करेंगे. तो x² का कोफिशिएंट यहां पर कुछ भी नहीं है, मींस 1 तो 1 ऊपर जो इक्वेशन उससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऊपर इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट जो 2 है वो नीचे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे. अब मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर लिखिए. अब देखिए मैं x² का कोफिशिएंट क्यों हटा रहा हूं, x y भी दोनों में मौजूद है तो वो भी कैंसिल कर सकते हैं, कर सकते हैं. तो कोशिश ये होती है हाईएस्ट पावर वेरिएबल अगर कैंसिल हो रहा है, हो सकता है तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल भी कैंसिल करेंगे, कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल x² है, y² मतलब मौजूद नहीं है. अब वो इक्वेशन में y² वेरिएबल नहीं है तो वो सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए सॉल्व नहीं कर सकते. सो अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1 मल्टीप्लाई करने से इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ईच एंड एवरी टर्म विद साइन रिमेंस सेम. अब मैंने इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x² के साथ, यू गेट 2x² प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 से होगा 4xy
प्लस टू वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड माइनस टू वन जा टू इक्वल टू जीरो इंटू एनी नंबर एक्स रिमेंस जीरो। सही है, वेरिएबल सेम हो गए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम हो गया, ये कैंसिल कर सकते हैं। कैसे? साइन चेंज करेंगे, साइन है कुछ भी नहीं, मीन्स प्लस का तो माइनस साइन आ गई, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो ये माइनस, एंड टू के आगे माइनस है तो ये हो गया प्लस। साइन चेंज की, अब साइन चेंज करने के बाद ये एक्स स्क्वायर में साइन का मैं कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई माइनस फोर एक्स वाई, ये एक्स वाई मीन सिंपल प्लस वन, ये माइनस फोर, प्लस वन माइनस फोर हो जाएगा माइनस थ्री एक्स वाई, माइनस टू वाई स्क्वायर रिमेंस है, वो इक्वेशन में वाई स्क्वायर वेरिएबल नहीं है, ठीक। टू माइनस में ये टू प्लस में टू कैंसिल हो गया, कांस कर दो, आई बात समझ में, इक्वल टू जीरो, इजंट इट। अब जो इक्वेशन कैंसिलेशन के बाद जो टर्म बचे हैं इसको मजीद सॉल्व करेंगे, कैसे? दो टर्म है, इन दोनों टर्म में से माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं, एक माइनस साइन दूसरा वाई, एंड इसमें वाई स्क्वायर तो वाई कॉमन है सिंपली, तो थ्री एक्स वाई कॉमन आ गया, माइनस साइन कॉमन लिए तो माइनस इंटू माइनस प्लस, यहां से वाई कॉमन है तो बाकी टू वाई इक्वल टू जीरो, ठीक। अब क्या करने जा रहे हैं, दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई में इक्वल टू जीरो है तो माइनस वाई को जीरो के इक्वल कर दिया, एंड सेकंड वन थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो, दोनों को सेपरेट कर दिया, दो इक्वेशन था, माइनस वाई वी मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड इक्वल टू माइनस जीरो, दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों किया? क्योंकि y नेगेटिव साइन, y वेरिएबल को पॉजिटिव चाहिए, तो माइनस को खत्म करना है, तो माइनस हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, तो ये माइनस इनटू माइनस हो गया प्लस, जीरो के साथ माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहां से y की वैल्यू जो मिली वो क्या मिली, जीरो। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसको नाम दे रहे हैं हम इक्वेशन नंबर थ्री का, वन एंड टू वो है, थ्री इक्वेशन दिए सिंपली y इक्वल टू जीरो, थ्री इक्वेशन है, सही। अब उसके बाद यहां पर 3x के साथ 2y माइनस में है, उस साइड पे शिफ्ट करेंगे, सॉरी 2y प्लस में है, 2y प्लस में है, उस साइड पे शिफ्ट करेंगे माइनस 2y, x के साथ 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे शिफ्ट करेंगे, 3 डिवाइड में चला गया 2 डिवाइड बाय 3, y वैल्यू रिमेंस सेम, तो ये इक्वेशन नंबर हम कह रहे हैं 4। आई बात समझ में, सही है। क्या कैसे यहां तक गिवन जो दो इक्वेशंस थी, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो डिफरेंट इक्वेशंस आई है। इक्वेशन नंबर थ्री वैल्यू ऑफ वाई, सिंपली वैल्यू ऑफ वाई इज सिंपली कांस्टेंट नंबर, एंड फॉर इक्वेशन नंबर फोर वैल्यू ऑफ एक्स इन वेरिएबल वाई, तो हमें दोनों को सॉल्व करेंगे एक्स एंड वाई फाइंड करने के लिए अलग अलग, ठीक। तो इक्वेशन नंबर थ्री इसको टेक आउट कर रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर थ्री को टेक आउट कर रहा हूं। अब देखिए मैं लिखता हूं यहां पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री जो है पुट अप करें, इक्वेशन थ्री वाई इक्वल टू जीरो है, एंड इक्वेशन नंबर वन में सब्स्टिट्यूट करने जा रहे, किसमें, इक्वेशन नंबर वन में सब्स्टिट्यूट करने जा रहे, ठीक, या टू में करें हमारी मर्जी है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन वन थोड़ी सिंपल है, इक्वेशन टू के हिसाब से इसलिए इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर वन में सब्स्टिट्यूट करें, इक्वेशन वन है पहले लिखते हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, सही है। आई पास समझ में, जस्ट इक्वेशन नंबर टू वन जो है उसको लिखी है। अब देखिए सब्स्टिट्यूट क्या करना है, वाई इक्वल टू जीरो, तो y की जगह पे सिंपली जीरो लिखेंगे, x मल्टीप्लाई y की वैल्यू जीरो आ गई, माइनस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो टू एक्स स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई जीरो के साथ करेंगे, हो गया जीरो माइनस टू इक्वल टू जीरो, सही है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जीरो बीच में मौजूद है,
जीरो की कोई वैल्यू नहीं, तो यहां पर साइड सॉल्व करने जा रहा हूं, तो 2x² - 2 = 0 सिंपल ये है, ठीक है, ये साइड से उस साइड पे रिवाइज हो रहा है। 2x² 2 माइनस का साइड पे शिफ्ट करेंगे 2 हो गया प्लस का, सही है, तो x स्क्वायर के साथ ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे शिफ्ट करेंगे ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि x फाइंड करना है, x को आजाद करने जा रहे हैं, तो ये हो गया डिवाइड में, सही है। अब उसके बाद क्या करने जा रहे हैं, देखें 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो बाकी x² = 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल 2 को 1 टाइम लगेगा, सो x² = 1, ठीक। अब x चाहिए तो x पे स्क्वायर है, इसको हटाना कैसे हटाएंगे, स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हट कर हटाने के लिए हम टेक आउट करेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक, किसी भी टर्म पे अगर स्क्वायर है वो स्क्वायर रिमूव करना है हटाना है, तो स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट टेक आउट किया जाता है, तो स्क्वायर रूट आ गया, 1 पे भी स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x = 2 उस साइड पे कांस्टेंट नंबर के आगे प्लस माइनस देंगे, 1 का स्क्वायर रूट रहेगा 1, सो x की कितनी वैल्यूज मिली 2 प्लस माइनस 1, आई पास बन गई, ठीक। तो ये इक्वेशन नंबर जो 3 थी उसके हिसाब से सॉल्व किया है, अब इक्वेशन नंबर 4 को टेक आउट करेंगे उसके हिसाब से भी सॉल्व करेंगे मजीद, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 4 जो है देखते हैं वो क्या है, सो मैं अगेन यहां पर लिख रहा हूं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 पुट अप करेंगे, इक्वेशन 4 में x की वैल्यू है दैट इज -2/3y एंड इक्वेशन नंबर में पुट अप करेंगे सेम वही वन में, सही है, इक्वेशन वन में करें या टू में करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वन में इसलिए कर रहा हूं कि वन सिंपल इक्वेशन है, छोटी है इसलिए इजीली समझ सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो इक्वेशन वन कौन सी है, तो इक्वेशन वन को पहले लिखेंगे, इक्वेशन वन है 2x² + xy - 2 = 0, 2x² + xy - 2 = 0, ये इक्वेशन नंबर 1 लिखी एग्जैक्टली जो भी है वो, ठीक है। आप देखें x की जगह पे वैल्यू आएगी, वैल्यू x की है 2/3y² आ गया, x की जगह पे x की वैल्यू 2² प्लस x की जगह पे 2/3y एंड ये y रिमेंस है -2 = 0, आई बात समझ में, क्या किया है सिंपली x की जगह पे x की वैल्यू रिप्लेस की है जो गिवन है मींस क्वेश्चन 4 में से, ठीक। अब देखें 2 नेगेटिव नंबर में होल पावर 2, 2 इवन नंबर है तो नेगेटिव पे इवन पावर है पॉजिटिव हो जाएगा, 2² 4/3² 9 एंड y का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म हुए हर टर्म पे स्क्वायर है, हर टर्म का स्क्वायर सॉल्व किया एंड देन प्लस ये ब्रैकेट के अंदर माइनस है, इस पे होल पावर कुछ भी नहीं तो प्लस इनटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2/3 y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा y² - 2 = 0, ये सेम है, ठीक, जस्ट सिंपलीफिकेशन की है। अब 2 मल्टीप्लाई 4 के साथ कर सकते हैं, 2 4 = 8 डिवाइडेड बाय 9 sin y² माइनस ये 2/3y² 2 को साइड में शिफ्ट करें कांस्टेंट नंबर है पॉजिटिव हो जाएगा साइड पे नेगेटिव, ठीक। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जस्ट 2 टर्म्स ही बचे हैं जो सेम वेरिएबल्स में है, दोनों फ्रैक्शन में है, माइनस और एलसीएम लेकर प्लस माइनस कर लें, एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर्स देखें 9 एंड सेकंड वन इज 3, सो 9 एंड 3 के एलसीएम लेनी है, सो 9 एंड 3 के फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से, दोनों को 3 का डबल लग सकता है 3 टाइम, 3 को 3 का डबल 1 टाइम, अब 3 को 3 का अपना डबल 1 टाइम लग सकता है, सही है, दीज आर द फैक्टर्स एलसीएम। अब ये दोनों नंबर्स आपस में करेंगे मल्टीप्लाई जो फैक्टर्स मिले हो, तो 3 इज 9, सो 9 इज एलसीएम, सही। अब 8y² जो ऊपर है, अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है 9, एलसीएम में क्या है 9, सेम नंबर है दोनों का,
so numerator remains same, and then minus 2 y square same. इसके डिनोमिनेटर क्या है 3, एंड एलसीएम क्या है 9, तो 9 को डिवाइड करेंगे 3 से, उसके डिनोमिनेटर जो नंबर है उससे, तो 9 को 3 का डबल लग सकता है 3 टाइम, सो 3 टाइम जितनी बार लगा वो सेम नंबर उसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे। आई बात समझ में? ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करने जा रहे हैं, 8y² माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6y² इक्वल टू फ्रैक्शन में टर्म है 9 डिवाइड हो रहा है तो साइड में शिफ्ट करेंगे यानी 9 चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक, अब देन ये 8y² में 6y² माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएंगे 2y² इक्वल टू 2 9s are 18। ठीक, अब y आजाद करने जा रहे हैं, सो अब देखिए कैसे y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, y आजाद हो सकता है, y स्क्वायर के साथ 2 मल्टीप्लाई में साइड में शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा 2 डिवाइड में चला जाएगा उस साइड में जो नंबर है उसके साथ। ठीक, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 2, 2 का डबल 18 को लग सकता है 9 टाइम, सही है। अब y² = 9, y की वैल्यू चाहिए तो y पे स्क्वायर है वो स्क्वायर रिमूव करना है, हटाना है, कैसे हटाएंगे, किसी टर्म पे स्क्वायर हटाना है तो हम टेक आउट करेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, y² पे स्क्वायर रूट इक्वल टू 9 पे भी स्क्वायर रूट, सही है, स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड टेक आउट किया है, y स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो साइड पे कांस्टेंट नंबर के आगे प्लस माइनस साइन देंगे, वेरिएबल आजाद होता है तो कांस्टेंट नंबर के आगे प्लस माइनस दिया जाएगा। ठीक, 9 का फ्रैक्शन स्क्वायर 9 का स्क्वायर होता है 3, भाई की कितनी वैल्यूज मिली 2, अगर दोनों वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर वापस 4 में, सो अब क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यूज हमारे पास प्लस माइनस 3 मिली है इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में ताकि हमें x की वैल्यूज मिले। ठीक है, सो अब देखें सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ y एंड इक्वेशन नंबर 4 वी गेट, सही है, इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या मिलेगा देखते हैं। So, पहले इक्वेशन नंबर 4 लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 4 जो वो x इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 आई। ठीक, अब y की जो वैल्यू है 2 है प्लस माइनस में है तो अलग अलग सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां पर y की वैल्यू प्लस 3 पहले है प्लस माइनस 3 है तो पहले प्लस की बाद में माइनस की सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो x इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय की जगह पे सिंपली 3 आ गया, so x equal to minus 2 3 3 में कैंसिल हो गया डिवाइड हो गया खत्म। आई बात समझ में? सही है, दूसरी वैल्यू को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, so कह रहे हैं फॉर सेकंड वैल्यू ऑफ y इज minus 3, सेकंड वैल्यू ऑफ y इज minus 3, तो इक्वेशन सेम यही है x equal to minus 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई y, तो y की जगह पे y की वैल्यू दैट इज माइनस 3, 3 3 में डिवाइड हो जाएगा, सो x इक्वल टू माइनस, वहां पर भी माइनस है माइनस टू माइनस प्लस सिंपली क्या हो जाएगा 2। आई बात समझ में? y की वैल्यू प्लस माइनस 3 दो अलग लगती तो x की वैल्यूज पर अलग अलग मिली हैं। अब फाइनली यही कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है, इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है, x एंड y वेरिएबल्स की वैल्यूज आ चुकी है, अब फाइनली इन वैल्यूज को कंबाइन करके लिखेंगे एक सॉल्यूशन सेट फॉर्म में ताकि कंप्लीटली पता चल सके आंसर में क्या क्या मिला है कंबाइन फॉर्म, सो वो कैसे लिख सकते हैं, हेंस सॉल्यूशन सेट इक्वल टू, हेंस सॉल्यूशन सेट इक्वल टू, अब सॉल्यूशन सेट में सारे आंसर कंबाइन लिखेंगे एक साथ लिखेंगे कंप्लीट आंसर्स को, आंसर्स में
अब जैसे देखिए यहां पर x वैल्यू मिली है प्लस माइनस वन, तो y की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की हमने जीरो इक्वेशन नंबर थ्री में, तो प्लस माइनस वन x की वैल्यू, तो y की वैल्यू जीरो, तो जीरो के आगे प्लस माइनस देने की जरूरत नहीं है, जीरो न्यूट्रल है, नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, न्यूट्रल है। तो प्लस माइनस वन x की वैल्यू लिए, x y की वैल्यू जीरो थी तब, ठीक। उसके बाद बाकी यहां पर x की वैल्यू माइनस टू, तो y की वैल्यू प्लस थ्री थी, चलो ये आगे पर आ गया माइनस टू, तो y की वैल्यू प्लस थ्री, एंड यहां पर x की वैल्यू टू मिली है, तो y की वैल्यू माइनस थ्री, टू तो y माइनस में थ्री ब्रेकेट ओवर ये सॉल्यूशन से, आगे बात समझ में, ठीक है। तो कंप्लीटली जो भी आंसर्स मिले हैं वो साथ लिखे, ठीक। x और y वेरिएबल थे, ऑर्डर पेयर में आंसर लिखा, तो ऑर्डर पेयर में पहले हमेशा x एंड देन y, क्योंकि एबीसी के मुताबिक पहले x आता है उसके बाद y आता है, तो इसलिए ऑर्डर पेयर में इसी तरीके से ये अरेंजमेंट रखी गई है, ठीक है। सिंपल था, जस्ट आपको समझना ये क्वेश्चन को देकर के सॉल्व कैसे हो, मेन वही चीज है, वो आपको समझ में तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, एंड प्रैक्टिस करने से हर स्टेप जहन बैठेगा, एंड क्वेश्चन देखने से आप डिसाइड कर सकते हैं ये किस मेथड से सॉल्व हो सकता है, सही है। सो प्रैक्टिस करनी है आपको, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ आएगा, ठीक है। इस नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रॉब्लम समझेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।